कि आप जम्मू प्रेस क्लब में आके आप यहाँ पे किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, आज का जो दिन है ये महात्मा गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी के तौर पे हमारे मुल्क में जो है शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है, जिसमें हम आज़ादी के सारे उन हीरोज को याद करते हैं जिन्होंने हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए अपने जान का इतिया दिया। और साथ ही साथ कल जो कश्मीर घाटी में अनंतनाग में एक पुलिस के नौजवान की जो हत्या की गई, अली मोहम्मद गनाई साहब जो हेड कांस्टेबल थे उनको जिस कायराना तरीके से मार दिया गया कल, हम उस कत्ल के खिलाफ एज मजम्मत के तौर पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। चूंकि आज जम्मू में लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से हमें ज्यादा लोगों को यहाँ पे बैठने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन हमने एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट और अली मोहम्मद गनाई साहब के जो लवाइकीन हैं उनके साथ इजहार ताजियत के साथ साथ इजहार हमदर्दी के तौर आज जम्मू में हमने 8-10 लोगों ने ही ये जो है साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट, जिसे हम कैंडल लाइट मार्च कहते हैं, इसके तौर पे हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है कन्वे करना चाहते हैं कि आखिर कब तक हम इन कातिलों को जो है चुप्पी में बैठेंगे, आखिर कब तक हम हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम के कातिलों को बर्दाश्त करते रहेंगे। सही टाइम है कि हम उन कातिलों को एक मैसेज भेजते हैं कि वो इंसान नहीं हो सकते हैं, वो किसी मजहब के मानने वाले नहीं हो सकते हैं, जो निहत्ते लोगों का खून बहाए वो कभी भी इंसान नहीं हो सकता है।